आप एकदम मसालेदार फिश करी बनाएंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रोहू फिश ली है। ये करीबन आधा किलो फिश है और ये सारे पीसेस को मैंने अच्छे से पानी से धो के ली है। तो अब इसमें एक बड़ी चम्मच नमक और एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और नमक और हल्दी से सारे पीसेस को अच्छे से कोट कर लेंगे। इसे ये मछली कढ़ाई में जब डालेंगे तब चिपकेगा नहीं और फ्राई होने के बाद भी ये सॉफ्ट रहेगा। और अब इसी मसालों के साथ मछली को कोट करके करीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये मैरिनेशन अच्छे से सेट हो जाए। अब इस कढ़ाई में आधा कप तेल डालेंगे। तेल डालने से पहले इस कढ़ाई को मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था, इसे मछली कढ़ाई के साथ चिपकेगा नहीं। ठंडा कढ़ाई में या ठंडा तेल में अगर आप मछली को डालेंगे तो कढ़ाई के साथ वो चिपक जाता है। और अब तेल भी अच्छे से गर्म हो चुकी है तो फ्लेम को मीडियम करेंगे और एक एक करके जितना पीसेस कढ़ाई में आएगा उतना ही डाल देंगे। आप फिश को एक के ऊपर एक ना डालें, फिर वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगा। ये देखिए ऊपर से अब इसका कलर थोड़ा चेंज हुआ है और ये पीसेस भी कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो अब इसे हम पलट देंगे और दूसरे तरफ से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ठंडा कढ़ाई या तेल में अगर हम पीसेस को डालते तो इसे हम ऐसे पलट नहीं पाते। तो ये इस साइड से तो फ्राई हो चुकी है तो अब बस दूसरे साइड्स को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिश अब दोनों तरफ से देखिए फ्राई हो चुकी है तो अब इसे तेल से निकाल लेंगे और ऐसे ही बाकी के दो पीसेस भी फ्राई कर लेंगे। मछली को आप इसे ज्यादा फ्राई मत करना, मतलब कलर जब ऐसे आ जाए तब उसे निकाल लेना वरना मछली च्यूवी सा बन जाएगा। और अब यहाँ मैंने 200 ग्राम के करीब प्याज को पीसेस में काट के ली है तो ये सारे पीसेस को इस जार में डाल के मिक्सी में इसका पेस्ट बना लेंगे। और अब इसी तेल में एक छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। तेल अभी गर्म है तो जीरा डालते ही ये चटक जाएगा। और अब इस प्याज की पेस्ट को पूरे इस कढ़ाई में डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इस प्याज को हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। आप यहाँ पे प्याज को बारीक काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट डालने से ग्रेवी बहुत ही थिक और स्मूथ बनेगा। तो बीच बीच में चलाते हुए प्याज को हम भून लेंगे और तब तक इधर मैंने ये दो मीडियम साइज के टमाटर को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ली है। इससे ये बहुत स्मूथ पेस्ट बनेगा और इसकी सारे सीड्स को मैंने निकाल दी है और साथ में 6-7 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक भी इसमें डाल देंगे और इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। और इस कप में लेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच नमक। अब इसमें 4-5 चम्मच के करीब गुनगुना पानी डालेंगे और इन मसालों का एक घोल बना लेंगे। सूखे मसालों को ऐसे भिगो के रखने से मसाला थोड़ा फूल जाएगा और इससे ये ग्रेवी बहुत थिक और रिच बनता है। तो ये मसालों को हम थोड़ी देर मतलब 5-7 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। और इधर प्याज भी देखिए अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब इसमें ये सारे टमाटर की पेस्ट को डाल देंगे और साथ में ये भीगी हुई मसाले भी डाल देंगे और डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और 4-5 साबुत हरी मिर्च और मीडियम फ्लेम पर इन सारे मसालों को प्याज के साथ अच्छे से मिलाते हुए भूनेंगे जब तक ना मसालों से तेल छोड़ने लगे। आप मसालों को अच्छे से भूनने के बाद ही इसमें पानी डालना, नहीं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए मसालों से तेल छोड़ने लगा है और मसाला भी देखिए कितना डार्क बन चुका है। तो ये मसाला अभी बहुत अच्छे से भून के तैयार हो चुकी है। तो अब इसमें पहले करीबन 1.5 कप पानी डालेंगे और अच्छे से मसालों के साथ पानी को मिला देंगे। यहाँ पे ग्रेवी आप जितना रखना चाहते हैं पानी भी आप उसी हिसाब से डालें, लेकिन ये रोहू फिश करी बहुत पतला नहीं बनता है। ये देखिए ये ग्रेवी मुझे अभी थोड़ा सा थिक लग रहा है तो मैं इसमें करीबन 1/2 कप पानी और डाल रही हूँ, मतलब टोटल 2 कप पानी मैंने इसमें डाली है। अब फ्लेम को हाई कर देंगे और इस ग्रेवी में एक उबाल आने देंगे और जैसे ही इसमें ऐसे उबाल आ जाए तो हम सारे फ्राई की हुई फिश को एक एक करके इसमें डाल देंगे
और मछली के साथ ही हम इस ग्रेवी को लो फ्लेम पर और थोड़ी देर पकाएंगे। इस बीच इसे हमें ज्यादा चलाना नहीं है। ये देखिए, बस 3-4 मिनट में ही मछली बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और ग्रेवी का टेस्ट भी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो अब ये सारे पीसेस को एक एक करके पलट देंगे और साथ ही साथ इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे और अच्छे से बस सारे चीजों को मिला देंगे। फिश को डालने के बाद बहुत ज्यादा हमें इसे चलाना नहीं है, नहीं तो फिश टूट जाएगा। तो आप इसे ढक के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बस 5 मिनट रेस्ट होने देंगे। तो दोस्तों, बहुत ही झटपट बनने वाली ये टेस्टी मसालेदार फिश करी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।